अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। अभी सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। आज का नाश्ता थोड़ा सा मैं सिंपल बना रही हूँ, लेकिन ऑल टाइम फेवरेट है। कल की वीडियो अगर आपने देखी हो तो वो मैंने बनाई, उसके बाद फिर मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जब आपको अपना काम करना अच्छा लगता है, आपका दिल लगता है, आपको खुशी होती है ना, तो फिर आप नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए मैंने फिर उसके बाद अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड बटर जैम, और अंडे जो है ना वो बॉयल हो गए हैं। एक्चुअली ना एक मिनट, अच्छा इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रही थी। एक्चुअली हमने ना सुबह को बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने खा लिया था, रोटी खा ली थी, तो इस वजह से अभी मेरा मूड हो रहा है कि चलो ब्रेड पे बटर जैम लगाते हैं। तो अभी चलें जी, इस पे लगाते हैं हम बटर और जैम, और ये मैं लेकर आई हुई हूँ, ये देखें। तो बस ये मैं जल्दी जल्दी लगाती हूँ, फिर उसके बाद उस्मान को देते हैं नाश्ता। चाय भी बन रही है, मैं पत्ती डाल लूँ, और चीज़ें अब सारी की सारी बिखरी हुई हैं रूम में, तो वो जो है ना समेटेंगे अभी। क्या करें, बस लोग कहते हैं काम ही क्या होता है। सुबह से उठ के शाम हो जाती है, रात होती है, पता ही नहीं चलता दिन कहाँ गया। वही बात है ना कि आप अगर करने पे आओ तो काम ही काम, ना करो तो फिर कोई काम नहीं। तो खैर सुबह से आजकल मैं जल्दी उठ जाती हूँ, सुबह से लगी हुई हूँ, लेकिन फिर भी काम ही काम। अभी मैंने ना वीडियो बनानी थी सारी चीज़ों की, वो मैंने बनाई, और मुझे उम्मीद है कि वो वाली वीडियो मैं इससे पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी होंगी, जो कि मैं चीज़ें लेकर आई हूँ, बर्तन शर्तन, तो आपने वो पहले ही देख ली होगी। ब्लॉग मैं इसके बाद ही शेयर करूँगी, तो वो मैं आज इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि एडिट वगैरह हो जाए, और आप देख चुके होंगे आई एम श्योर, आप जब ये ब्लॉग देख रहे हैं आप वो पहले देख चुके होंगे। तो चले जी नाश्ता बनाते हैं, और बटर मैंने घंटा पहले निकाल के रख दिया था ताकि इजीली जो है ना स्प्रेड हो जाता है, और ये वाला मैं बहुत अच्छा लगता है, ये मैं आल्डी से लेकर आती हूँ, आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ, तो ये वाला जो है ना बड़ा मज़े का होता है। तो चलें जी ये कर लो, फिर साथ साथ थोड़े बहुत काम तो लगे ही रहते हैं, और आप हॉलीडेज से आओ ना, उसके बाद आपका काम दस गुना ज़्यादा हो जाता है। मुझे बचपन से ही ब्रेड पे बटर और जैम लगाना और लगा के खाना बहुत अच्छा लगता है, और इसी तरह से बग़ैर गरम किए, पकाए, टोस्ट किए, मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैं खाती थी तो मेरे साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगने लग गया, और अब जब मैं बनाती हूँ ना तो वो कहते हैं कि मुझे भी बना के दो। तो इसलिए आज जो है ना मैं वही नाश्ता बना रही हूँ, और कभी कभी इस तरह के सिंपल या लाइट नाश्ते भी आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तो पाकिस्तान में तो ब्लू बैंड ज़्यादातर लगा लेते थे, या बटर जो भी होता था नूरपुर का, या इस तरह से ना, और उसके साथ जैम लगा के खाना, उफ कमाल। मतलब कि अगर आपने ट्राई नहीं किया ना, एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें, मज़ा आ जाता है। चाय का कप लें, कभी भी आपको रात में भूख लग रही हो, मैं स्कूल से कॉलेज से आती थी तो मुझे और कुछ हो ना हो मैं ब्रेड पे लगा के खा लेती थी, मज़ा आ जाता था। साथ मैंने एग्स भी बॉयल कर लिए हैं, तो ये कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, फुल भी कर देता है और आपको मज़ा भी आ जाता है। तो खैर जी ये है हमारा आज का मज़ेदार सा नाश्ता। ये सारा सामान आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी, अब वीडियो जो है ना वो खैर आप तो या पहले देख लेंगे इस व्लॉग से, या बाद में लगा दूंगी एक आध दिन पहले या बाद में। तो ये अभी सारा मैं समेट रही हूँ, ये जो मेरा रूम है ना, ये देखें सिटिंग रूम, इसकी तो हालत ख़राब हुई हुई है, कोशिश कर रही हूँ एक दो दिन में ये सारा मैं समेट लूँ। गला मेरा शदीद ख़राब है, कोई मेडिसिन नहीं मिल रही मुझे, मेरे पास रखी नहीं हुई, देखती हूँ आज मैं शायद जाऊँ, या देखते हैं जाके ना उनको बताऊंगी, जो स्प्रे है ना वो ख़त्म हुआ हुआ है। तो खैर ये आप देखिएगा मेरी वीडियो ज़रूर ही, और मैं अपने मेन चैनल पे ही शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। स्टीम आयरन को भी मैंने सेट करना है सारा, ये मेरी फ़िलिप्स की है, इसकी ना वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो लिंक दे दूँगी आप देखिएगा। तो बस ये सारा सामान, और अभी उस कमरे में बहुत रखा हुआ है कपड़े और बाकी सामान भी, और ये जो मैंने आपके साथ शेयर की थी कुछ ग्रॉसरी रख ली है, इनको मैं सारा जो है ना अभी कुछ रखती हूँ, कुछ मैंने किचन में सेट करना है, इसलिए मैं अंदर नहीं रख रही स्टोरेज में, क्योंकि स्टोरेज में मैंने रखा ना फिर बस रखी ही रह जानी है, तो मैं इसलिए सामने रखी है ताकि मैं किचन में कुछ चीज़ें सेट कर लूँ। तो बस ये है मेरे रूम का हाल, ये हाल हुआ है। अच्छा
अच्छा जी, काम तो मैंने अभी स्टार्ट करने थे, लेकिन मेरे पास रखा हुआ था लेफ्ट ओवर सालन। मैंने बनाया था आलू गोश्त, आपने एक दिन पहले के व्लॉग में देखा होगा। तो इसमें मैंने कैन वाले टमाटर डाले थे, इसलिए इसका कलर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको लाल नज़र आ रहा होगा, कुछ वीडियो में भी खैर नज़र ज़्यादा आ रहा है। अच्छा जी, तो ये मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि इसमें चावल डाल देते हैं, और इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। मैं अक्सर लेफ़्ट ओवर सालन हो कुछ भी हो ना, उनको थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि कल खा लिया था, बच गया था इतना सारा, तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसमें बिरयानी मसाला डाल दिया, उसके साथ थोड़े से अपने मसाले डाल दिए, ये एक बादियान का फूल डाल रही हूँ, और इसमें मैं डाल दूँगी चावल। तो इस तरह से ये पुलाव बिरयानी बन जाएगी, और ये बहुत बहुत मज़े की लगती है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप में से कौन कौन इस तरह से लेफ़्ट ओवर सालन के साथ करता है। तो मैं जब छोटी होती थी ना, तो मेरी मदर जॉब करती थी, आपको काफ़ी बार मैंने बताया, तो वो भी अक्सर इस तरह से करती थी कि राइस डाल देती थी, और मुझे इतना अच्छा लगता था ना। तो अब मैं भी इस तरह से करती हूँ कि कभी सालन बच जाए या कुछ भी ऐसा हो ना, तो मैं उसमें डाल देती हूँ चावल, और वो डिफरेंट थोड़ा करके बना लेती हूँ, और वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये देखें जी, बस इस तरह से पानी ड्राई हो गया है, और ये पुलाव बिरयानी मैं बना रही हूँ। वैसे पुलाव मैंने इसलिए कहा कि बॉक्स पे लिखा हुआ था, तो समटाइम हम मजाक करते हैं, समझ जाया करें, आप लोग भी सीरियस ना लिया करें, पकड़ के ना बैठ जाया करें। तो थोड़ा सा हम लोग भी आपके साथ ज़रा रिलैक्स होकर मजाक में बात करते हैं। खैर जी, यहाँ अभी दम लगाने लगी हूँ, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया, जस्ट हल्का सा कलर आ जाए, देखने में अच्छा लगे। और ये बहुत मज़े के बने थे, बहुत अच्छे बन गए थे, अच्छे लगे थे हस्बैंड को भी। तो ये देखें जी, इसके बाद यहाँ पर टाइमर सेट करके मैं 20 मिनट्स का दम दे दूँगी। प्याज मैंने काट के इसमें नमक डाल के ठंडा पानी डाल के इनको रख दिया, और साथ चावलों को दम आ रहा है, तो अभी मैं इसका मज़ेदार सा जो है ना रायता बनाऊँगी, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। तो बस ये दम आ गया था, तो ये बड़े मज़े के रेडी हो गए यहाँ पे, और अभी मैं आपको जो है ना वो करीब से भी दिखाती हूँ। बहुत अच्छे बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि खाना जो है ना मैं ना पाकिस्तान में ज़ाया करती थी, ना मैं यहाँ पे करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को ज़ाया ना करूँ। जितनी आप रिस्क की कदर करेंगे, अल्लाह पाक आपको उतना रिस्क अता करेगा। तो इसलिए मैं हमेशा वो चीज़ें शेयर करती हूँ कि जो कि मैं अपने घर में करती हूँ। वैसे तो हम खाने बनाते रहते हैं नई नई चीज़ों के साथ, लेकिन कुछ भी फूड जो है ना वो ज़ाया ना करें। पाकिस्तान में तो चले हेल्पर को भी हम दे देते थे, कुछ ना कुछ जो है ना वो यूज़ हो जाता था, ज़ाया नहीं होता था। लेकिन आप अगर नहीं भी देते हैं किसी को, तो घर में ही थोड़ा सा डिफरेंट करके कुछ ना कुछ बना के उनको दोबारा यूज़ कर लिया करें। तो खाना मैंने बना के रख दिया, अब उसके बाद मेरा मेन जो काम है ना वो स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हो, रेगुलर देखते हैं, तो फिर तो आपको आइडिया होगा, मैं अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वैसे लग ज़्यादा रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैं लेकर भी आई, और अल्लाह पाक ने मुझे दी भी हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ चीज़ें। अच्छा, ग्लासेस ना मेरे रखे हुए थे दूसरे वाले कैबिनेट में, तो अभी आप ऊपर जो देख रहे हैं ना, वहाँ पे मेरी बेकिंग की चीज़ें रखी हुई थी, तो अब इन सब को जो है ना मैं थोड़ा सा अरेंज कर रही हूँ और मैनेज कर रही हूँ। मग्स को, ग्लासेस को मैंने वहाँ पे रख दिया, तो ये जगह सारी खुली हो गई है। यहाँ पे अब मैं डिशेस वो रखूँगी जो कि मैं सर्व करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखें बर्तनों का, किचन का, क्रॉकरी का, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इनका शौक़ तो मुझे बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा आपको पता है मैं यूट्यूब पर भी हूँ, तो एक रियलिटी मैं आपको ये भी बता दूँ कि ज़ाहिर है चीज़ों को डिश आउट करना या दिखाना या इस तरह से थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंट करना, एक तो अपना दिल भी खुश होता है,
सेकेंडली ये है कि जब आप ज़ाहिर है यहाँ पे होते हैं तो थोड़ी सी आपको ये चीज़ें भी ज़रूरत आती हैं, तो यूट्यूब पे रहते हुए इन चीज़ों का भी मुझे थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। उसके अलावा यह है कि मुझे ख़ुद भी देख के अच्छा लगता है, आपको पता है मैं अपने लिए प्लेट बना के या सजा के खाती हूँ, तो बस मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने आप को ट्रीट देती हूँ, स्पेशल फील कराती हूँ, तो इसलिए अच्छा लगता है। तो खैर ये अभी सारी चीज़ें मैं सेट करूँगी। और एक और चीज़ ये कि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे, मैं यहाँ रायता बना रही हूँ आपको दिखा रही हूँ, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे जो मैंने अपनी मदर का आँखों का ऑपरेशन कराया था, तो सब पूछ रहे थे कि उसका बता दें, तो मैं यहाँ साइट पे आपको जो है ना वो लिख भी दूंगी या दिखा दूंगी। उनका ब्लू एरिया में इस्लामाबाद में डॉक्टर हैं जो कि मेट्रो का जो स्टेशन है ना उसके बिल्कुल सामने है, बिल्कुल एंड पे आता है, उनका हॉस्पिटल है, उनका बहुत अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इस वजह से आपको मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे हमारे जानने वाले ही कह सकते हैं जिन्होंने रिकमेंड किया था, तो मैं गई थी फर्स्ट टाइम तो बहुत मुझे अच्छा लगा था। 2000 उनकी फ़ी थी, लेकिन अल्ट्रासाउंड के उन्होंने अलग पैसे लिए थे, और उसके अलावा उस 2000 में जो हमने पहली बार दिए थे ना, उन्होंने बहुत सारे उनके टेस्ट किए थे, बहुत सारे टेस्ट हुए थे, अल्ट्रासाउंड के मैंने सेपरेट दिए थे, और बाकी जो प्रोसेस था उसका भी मैं बता दूं कि लेंस लगता है। अच्छा यहाँ पे मैं पहले आपको ये दिखा दूं, ये ज़ीरा रायता मैं आज ये भी अभी ट्राई करने लगी हूँ, तो ये मैंने कहा मैं ट्राई करके देखती हूँ, तो मैंने सारी चीज़ों का कचूमर सलाद बना दी, और उसके बाद ये ज़ीरा रायता ये आपको मैं यहाँ पे क्लोज़अप में दिखा रही थी, इसमें सारी चीज़ें इन्होंने मिक्स की हुई है, तो अभी मैं खैर इसको यूज़ करूँगी। अच्छा जो उनका स्टार्ट हो रहा है ना लेंस, उनका स्टार्ट होता है 45,000 से, मतलब लेंस और प्रोसेस और सब कुछ जो होता है, मेडिसिन उसमें इंक्लूड नहीं है, 45,000 से उनका स्टार्ट हो रहा है, और आई थिंक 1,50,000 पे जा रहा है, तो वो सारा आपको खुद गाइड करते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। अम्मी का जो ऑपरेशन हुआ उन्होंने एनेस्थीजिया, वैसे आपको पता है इंजेक्शन लगाते हैं जो लोकल देते हैं, तो उन्होंने ड्रॉप्स के साथ सारा किया था, और उसके अलावा लेज़र वाला ट्रीटमेंट हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, ना कोई कट था और ना उन्होंने स्टिचेस लगाए थे। यकीन करें मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, उनको पता ही नहीं होगा कि मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग में जिक्र कर रही हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस जब अच्छा रहा तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, और बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए थे, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जितने का भी लेंस लगाते हैं जैसे भी आप लगवाते हैं वो आप ख़ुद देख लीजिएगा, और डॉक्टर भी आपको गाइड कर देते हैं। अच्छा लेंसेज में क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बता दूं कि आप जब जैसे हमने ग्लासेस बनवाई है ना, मैंने बनवाई हैं, तो उसमें आपने देखा है कि मैंने आपको बताया था कि मैंने शीशा थोड़ा महंगा वाला लगवाया, कि जो आपकी रेजेज़ होती हैं ना, यूवी पर रेजेज़ होती हैं जो कि आप स्क्रीन यूज़ करते हैं, मोबाइल टीवी इस तरह की टैब करते हैं, आईपैड वगैरह कुछ भी करते हैं, तो उसमें रेजेज़ आपकी जो है ना उनसे प्रोटेक्ट करता है, तो सेम लेंस भी उसी तरह से होता है, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जितने का भी लगवाएं जैसे भी लगवाएं, तो सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। मेरी मदर का ये था कि उनका बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया था, और शुक्र है कि बस उनकी नज़र अल्लाह ताला ने बचा ली, और डॉक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। अम्मी ने जो जो कहा कि मुझे ये मेडिसिन नहीं खानी है, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, उन्होंने इतना अच्छा ट्रीट किया, जो जो कहा हमने उन्होंने वो माना, और उसके अलावा सबसे अच्छी बात ये थी कि कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं हुआ, और अम्मी को ऐसा कोई मेजर हेल्थ का भी इशू नहीं था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए उनकी रिकवरी भी बहुत जल्दी हो गई। हाँ ये है कि उन्होंने नेक्स्ट डे बुलाया था, एक दिन जब हम गए थे तो पूरा दिन उनके टेस्ट होते रहे थे, नेक्स्ट डे जो है ना वो उनका जो ऑपरेट हुआ था, और फिर उसके बाद अगले दिन भी बुलाया था, फिर उसके बाद वो साथ साथ डॉक्टर आपको गाइड करते रहते हैं। तो खैर ये थी सारी डिटेल्स जो कि मैंने यहाँ पे शेयर कर दी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं बैठ के आपके साथ बात करती, तो मैंने कहा चले मैं वीडियो में शेयर कर दूंगी। अब आ जाते हैं जो अपने व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पे मैं चीज़ें लेकर आई हूँ पाकिस्तान से, अगर आपने कल की वीडियो देखी हो तो आपको आइडिया हो जाएगा, नहीं आपने देखी तो चले मैं यहाँ पे साथ साथ दिखा देती हूँ। और एक और चीज़ ये कि जो भी बीमार हैं, जिनका भी आँखों का कोई भी प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला आप सबको शिफा दे, आमीन सुमा आमीन। मैंने अपनी अम्मी की तकलीफ़ देखी है, मैंने उनके साथ सारा टाइम गुजारा है, तो मुझे आइडिया है कि कितनी तकलीफ़ होती है और क्या कुछ होता है जब आपको नज़र सही नहीं आता या जब आपको तकलीफ़ होती है, तो इसलिए मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला जिनको भी प्रॉब्लम है अल्लाह पाक शिफा दे, आमीन सुमा आमीन। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो, मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये मैं लेकर आई हूँ अभी एप्पल कटर, और ये मुझे लेने का ना बहुत शौक था, मैं यहाँ से लेने लगी थी जाने से पहले भी, लेकिन फिर मैं चली गई पाकिस्तान, और पाकिस्तान में मुझे नज़र आया तो मैंने कहा मैं तो लेकर ही जाऊँगी,
कल मेरी बहुत सारी बहनों को ये फ्राइंग पैन अच्छा लगा था, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैंने लाहौर से लिया था, मैंने हार्डली ये कोई थोड़ा सा यूज़ किया होगा, उसके बाद आपको पता है मेरी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो अब मुझे मौका मिला है और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि अब मैं सारी चीज़ें यूज़ करूँगी। चीज़ें आप यूज़ कर लेना, फिर आपकी ख़राब भी हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी वैसे ही रखे रखे ख़राब हो जाएँ फिर आपको बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मैं खुश हूँ कि चलो मैं अपनी चीज़ें लेकर आई हूँ, मैंने लेके रखी हुई थी या मैं लेकर आई हूँ, तो चलो मैं इनको यूज़ कर लूँगी, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होती है। तो अभी अपने छोटे किचन को मैं मैनेज भी कर रही हूँ, सेट भी कर रही हूँ, और दूसरी एक ये बात है कि किचन जो है ना एक्चुअली छोटे भी हों मैनेज हो जाते हैं अगर प्रॉपर आप उनको सेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। मेरा प्रॉब्लम थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ इसलिए बताती हूँ कि बहुत सारे न्यू व्यूवर्स होते हैं तो फिर वो क्वेश्चन करते हैं, तो इसलिए मैं रिपीट कर देती हूँ बात को, क्योंकि फिर सम टाइम ये होता है आप कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो व्लॉग आप देखते हैं तो फिर व्लॉग में ही मैं बता देती हूँ। तो मेरे किचन में आपको मैंने बताया था थोड़ा सा मोल्ड का प्रॉब्लम है, थोड़ा नहीं है बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा मैं काफ़ी जिक्र करती रहती हूँ आपसे, तो इस वजह से ना चीज़ें सारी ख़राब हो जाती थी, प्रॉब्लम मुझे रहती थी, तो मैं कैबिनेट्स में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती थी, बहुत मेरा दिल ख़राब हो गया था यहाँ से। और घर जो है ना अभी तो फ़िलहाल हैं, देखें जब चेंज करेंगे तो फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला, तो जब तक हैं तब तक तो फिर अब मैं ये है कि उसी हिसाब से चलती हूँ। अच्छा, अब मुझे बहुत सारी चीज़ों का भी आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया है तो अब मैं उसी तरह से केयर करती हूँ। तो खैर जी, यहाँ सारे नए बर्तन अब मैं आहिस्ता आहिस्ता सेट करूँगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से मैं वॉश करके प्रॉपर देख के फिर मैं सेटिंग कर रही हूँ, ताकि बार बार मुझे करनी ना हो, फिर भी बार बार हो ही जाती है। तो खैर जी, यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा इंशाल्लाह, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।